तो दोस्तों, यह गरीबी एक ऐसी जानलेवा बीमारी है कि अगर एक बार इंसान को पकड़ लेती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। दोस्तों, गरीबी एक ऐसा दलदल है कि अगर गरीबी में कोई गिर गया तो वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि गरीबी में पैदा होने से अच्छा मर जाना ही अच्छा होता है। दोस्तों, ये कहानी है नवादा जिले के कुछ मजदूरों की, जो कि यहाँ भट्ठे पर आके अपना मेहनत मजदूरी। और आगे की कहानी हम वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, तो हेलो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईंटे की पथाई चल रही है। मान लो यहाँ पे बहुत बहुत दूर तक ईंटे की पथाई होती है। ये हमारे गांव से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर आया है। हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी वहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि ईंटे की पथाई कैसे होती है। इधर तो मेरे ख्याल से फाइनली इधर भी सुखाया जा रहा है, इधर भी सुखाया जा रहा है, इधर भी सुखाया जा रहा है। और ईंटे की पथाई जहाँ पे हो रही है अभी आपको हम दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। ईंटे की पथाई भी हम आपको दिखाने वाले हैं। फाइनली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये ईंटा मेरे ख्याल से अभी सुखाने के लिए डाला हुआ है। ये सूख जाएगा, उसके बाद भट्टे का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि जिसमें इस ईंटे को पथा के उसके बाद डाला जाता है, फिर वो पक्का होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईंटे की पथाई हो रही है। क्या पड़ोसी, कैसे हो? ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, ईंटे की पथाई ऐसे होती है। ये पड़ोसी लोग ईंटा पात रहे हैं। अभी आगे के कैमरे से हम आपको दिखाते हैं। मजदूरी 50 पैसा, एक ईंटे का 50 पैसा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, एक ईंटे का 50 पैसा मिलता है। फाइनली ईंटा इतना महंगा, पहले तो और था कि पहले और कम था? उतने ही चल रहा है, उतने ही। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ईंटे की महंगाई इतनी है, लेकिन अभी पथाई वही रेट चल रहा है जो पुराना है वही रेट। ये लोग बहुत दूर से आते हैं दोस्तों, आके यहाँ पे पथाई करते हैं। अच्छा, पड़ोसी कहाँ के रहने वाले हो? नवादा जिला। हो भाई साहब, बहुत दूर है, नवादा जिला से ये लोग आए हैं, उसके बाद आके यहाँ पे पथाई करते हैं ईंटे की। जिस हिसाब से जोड़ा जाए, ये लोग इतना मेहनत करते हैं कि 50 पैसे बता रहे हैं, ईंटे का 50 पैसा है। इधर देख सकते हैं बच्चे भी हैं एक दो, और ये माटी है जिसको बनाते हैं। अच्छा पड़ोसी, ये जो मिट्टी है इसको मतलब मशीन से बनाते हैं? अच्छा, पहले तो अपने बनाते थे ना कोड़ के? अच्छा, अभी मशीन आ गया है। देख सकते हैं दोस्तों आप, हम लोगों को अगर ऐसे घाम में रहना हो तो कभी नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये लोगों को देखो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पूरा पाथेंगे अभी शाम तक। मेरे ख्याल से दिन भर ये करेंगे, दिन भर अगर पड़ोसी करेंगे तो कितना, लगभग 400-500 रुपये बन जाता है। तो कहते हैं दोस्तों, बहुत इतना मेहनत करने के बाद दिन भर का 400-500 रुपये बनता है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको अगर देखना है तो आप भी आके यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग ऐसे ईंटा बनाते हैं बहुत सारा। यहाँ से आप देखेंगे तो दूर दूर तक पूरा ईंटे की पथाई चल रही है। फाइनली मेरे गांव से ये 8-10 किलोमीटर है, दूर है, वहाँ से हम आए हैं और यहाँ की सारी वीडियो। दोस्तों, सभी बच्चे आ चुके हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, अभी सबको हम एक एक मिठाई देने वाले हैं। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ, आ जाओ, ए जितने बच्चे हो आ जाओ सब लोग। और बच्चे सब जिस जिसको मिलेगा है, सब लोग इधर साइड में हो जाएंगे, ठीक है? सब लोग जितने जितने को मिलेगा सब लोग उधर चले जाना। तो आप लोग देख सकते हैं,
इतने सारे बच्चे आ चुके हैं मेरे पास, बाकी एक उधर से भी आ भी रही है, अभी आ गया देने वाले हैं, एक एक सबको देंगे। आओ ने बुतरू आ रे आ रे आ रे सब खा लो ना, नहीं 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 नटल पुटल सब सबको खाना है ना, बुतरू इतना कुलिया ठीक, हम सबको दे रहे हैं, एक एक देंगे सबको। तो गाइस देख सकते हैं इतने सारे बच्चे आ चुके हैं, अभी हम सबको एक एक नहीं तो उन्हें साथ होने का वीडियो देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। अभी हम देने जा रहे हैं, एक जिसको जिसको देंगे वो इधर साइड एक लाइन से खड़ी कर, लाइन से सब लोग इसे लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से इधर से लाइन से खड़े हो जाओ, इधर से लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से लाइन से लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, वो ने जाए तो ये ने वो ने दूर मत कर, तो साइड हो जाएगा, जाओ तुम उधर जाओ, कह रहा पहले मिल ले वो छोड़ा के तो उतर वो के ले हटल जाए हटल जाए, वो ने साइड हो उतर यार उतर रे उतर रे यन्ने यन्ने सभी बच्चे को मिलेगा, टेंशन ना लो सबको, उधर तू खड़ी रही है उतर हम उधर इधर आ इधर इधर आ इधर इधर आ इधर ना 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 ने रे ने रे ने रे ये ना है क्योंकि ये पाँच पाँच रुपए का एक एक पा रहे हैं ना, तभी वो खुश नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं बच्चे इतना खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि ये लोग मिठाई पा गए हैं ना। तो आप लोग भी अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो हमारे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चे।